जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी शहरी जल प्रवाह योजना भीलवाड़ा। मैं मानसून की पहली ही बरसात में इस जगह पर आया हूँ। अब आप यहाँ आकर के खुद अपनी पिकनिक यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। जब लबालब होता है, जब बहुत आनंद आता है, यहाँ बहुत पब्लिक आती है। हाँ। अगर आप बच्चों के साथ, फैमिली के साथ यहाँ आते हैं तो जरूर से इन जगहों पर खेलना आपको पसंद आएगा। तो यहाँ पे आप बोटिंग वगैरह भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका भीलवाड़ा के सबसे फेमस डैम मेजा डैम से। जब आप मानसून के दौरान यहाँ आएंगे तो क्या देखने को मिलने वाला है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। चलिए आइए शुरू करते हैं और मैं आपको पहले अंदर की तरफ लेके चलता हूँ गार्डन में। ये कुछ नज़ारा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि काफ़ी नज़दीक तक यहाँ पर पानी आ जाता है और ठीक इस तरफ से एक रास्ता जा रहा है अंदर की तरफ जाने के लिए। तो आइए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ एक बार और फिर हम पानी के नज़दीक बाद में जाएंगे। देखिए ये, ओहो शानदार, ये रेस्ट हाउस एसी भी लगा हुआ है। अरे गजब गजब, और बहुत शानदार है। अरे एसी की जरूरत ही नहीं, ठंडक भी इतनी है यहाँ पे। तो पेड़ों शानदार, यहाँ सीएम साहब तक रुकते हैं। सीएम साहब तक, देखिए आप भैया क्या बता रहे हैं, सीएम साहब तक भी यहाँ रुकते हैं। हाँ। और चेयर लगा के यहाँ बैठो, मजा ही आ जाएगा। यहाँ पे चेयर लगा के शानदार, ये तो गजब ही जगह है। वैसे भैया इस गार्डन में और क्या क्या चीजें, जैसे बच्चे वगैरह आए अपने साथ में? बहुत पुरानी एक ट्रेन है बच्चों के खेलने के लिए। टॉय ट्रेन? हाँ। चलती है वो? नहीं, वो चलने वाली नहीं है वो। अच्छा, बच्चों डेमो ट्रेन है। डेमो ट्रेन है। हाँ। यहाँ इतनी पब्लिक आती है, बल्कि मैं नहीं कहता कि भीलवाड़ा से दूर दूर के भी लोग आते होंगे यहाँ। तो भीलवाड़ा से क्या है भाई, एक तो होता है ना कि नजदीक के आते होंगे, यहाँ तो दूर दूर के आते होंगे। यहाँ पे सारी लाइटें चलती है। अच्छा, उसके अंदर और तगड़ा व्यूज आता है। अरे वाह वाह, सारी लाइटें जलती हुई है, सारी लाइटें जलती है घर साहब। चलिए आइए मैं आपको थोड़ा सा नदी के मतलब डैम के नजदीक लेके चलता हूँ। तो देख सकते हैं ठीक सामने आपको पानी में बोटिंग वगैरह भी करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर बोटिंग भी एंजॉय की जा सकती है। ये अपने राजस्थान के अंदर जितने भी बड़े डैम हैं उनमें से एक डैम है। बड़े डैमों में से है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप गूगल भी सर्च करते हैं राजस्थान के बड़े डैम या पिकनिक स्पॉट, तो उनमें एक नाम मेजा डैम जरूर आएगा आपको। तो ये देखिए, अभी तो काफी साफ सुथरा पानी है यहाँ पर। वैसे पिकनिक में मजा आ जाएंगे यार इधर ना, और खाने भी अपने यहाँ बनाओ, बाटी वाटी दाल बाटी बनाओ, मजा आ जाए यहाँ पे यार। एक चीज जो सबसे अच्छी लगी ना मुझे यहाँ पे, एक तो बंदर नहीं है, दूसरा मधुमक्खी नहीं है। नहीं तो क्या होता है कि बंदर परेशान करते हैं और कुछ बनाने की कोशिश करो धुआं उड़ जाए तो मधुमक्खी उड़ने का भी डर लगता है। हाँ, नहीं बहुत ही अच्छी जगह, अच्छा गार्डन बना हुआ है। देखिए अब मैं उस जगह पर आ चुका हूँ जहाँ से पानी सप्लाई होता है भीलवाड़ा में, और यहाँ पे एक मीटर भी लगा हुआ है पूरी पाइपलाइन के ऊपर कितना प्रेशर इस समय चल रहा है। आइए मैं थोड़ा सा नज़दीक लेके चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ पूरा, यहाँ से नज़ारा दिखाई देता है पूरे डैम का। देखिए दोस्तों, अब मैं बिल्कुल टॉप पर आ चुका हूँ मेजा बांध के, और भाई साहब इसको चलाते हैं। तो जैसे भाई साहब, दो पानी की पाइपलाइन है, कहाँ कहाँ जा रही है ये? ये तो ही भीलवाड़ा ही जा रही है। दोनों भीलवाड़ा जा रही है। कोठारी नदी का ऊपर ये मेजर डैम बंदियों तो। अच्छा, नीचे की तरफ जो नदी है वो कोठारी नदी है ना? ये मेजा बांध का मतलब इसका ये मतलब सुखाड़िया साहब का हाथ को बंदियों तो। अच्छा, मोहनलाल सुखाड़िया। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ दोस्तों, जो सामने जो गार्डन बना हुआ है वहाँ पर थोड़े दिनों में जो है लोकल शॉप वाले भी आ जाते हैं, ताकि जैसे आपको कुछ खाने के लिए भुट्टे वगैरह, कुछ नमकीन बिस्किट्स वगैरह, चाय, इस तरह की दुकानें छोटी मोटी लग जाएगी अब यहाँ पे। दोस्तों ये थी मेरी कुछ कोशिश आपको राजस्थान के एक बड़े डैम और बड़े पिकनिक स्पॉट के बारे में बताने की, और मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा एक अच्छे पिकनिक स्पॉट के रूप में, ताकि वो भी यहाँ पर आ सकें। मानसून स्पेशल की इस वीडियो को हम यहाँ फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे वाह, पानी साफ है ना वैसे? अरे वाह वाह वाह, शानदार।